नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने ट्रेडिंग चैनल में, ट्रेडिंग विद रोहन में। दोस्तों, आज मैं आपको अभी चार्ट या कोई स्ट्रेटेजी नहीं बताने वाला हूं। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, एंड वो टॉपिक है कोविड। अभी आप देख रहे हैं मार्केट में फिर से न्यूज़ आ चुका है कि सभी जगह पर कोविड हो रहा है, एंड इसकी वजह से इंडियन मार्केट्स कुछ दिनों से डाउनफॉल में है और आज बड़ा सा क्रैश हुआ है फ्राइडे को। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं न्यूज़ है कि चाइना में कोविड बहुत ही जल्दी से स्प्रेड हो रहा है, एंड चांसेस हैं कि इंडिया भी अफेक्टेड होगा। तो दोस्तों, ये ओमिक्रॉन करके वायरस है, एक टाइप ऑफ म्यूटेशन हो रहा है यहाँ पे, तो ये पहले भी था और अभी भी है। तो दोस्तों, ये रहने ही वाला है, तो आप इसको कंप्लीटली ब्लॉक नहीं कर सकते। ये वायरसेस हैं, एक बॉडी से दूसरे बॉडीज में जाते रहते हैं, बट इतना बड़ा इम्पैक्ट इंडियन मार्केट्स पे क्यों हो रहा है? तो दोस्तों, न्यूज़ की वजह से देखिए क्या हो रहा है, लोग अपने डर के मारे अपने स्टॉक्स, अपनी होल्डिंग्स को सेल ऑफ कर रहे हैं। तो दोस्तों, अब आप डर के मारे स्टॉक्स को बेच रहे हो यहाँ पे, जस्ट बिकॉज आपने वो सिनेरियो फेस किया है या आपने वो सिनेरियो देखा है जहाँ पे कोविड आने से पहले या कोविड में लोगों ने बड़ा सेल ऑफ देखा था। तो दोस्तों, जब सेकेंड कोविड आया तब मार्केट सेल ऑफ नहीं हुआ, मार्केट केप्ट ऑन राइजिंग। तो दोस्तों, एक बात बता दूं, सेम चीज पे कभी मार्केट बार बार सेम रिएक्शन नहीं देता। अगर उसको पता है कि एक बार कोविड हो चुका, इतना बड़ा फॉल हुआ, सेकेंड कोविड में भी इतना बड़ा फॉल नहीं एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो मार्केट सेम न्यूज पे बार बार नहीं गिरेगा। अगर सेल ऑफ हुआ है तो दैट इज कॉल्ड अ पैनिक सेल ऑफ, एक अपॉर्चुनिटी है आपको डिप्स पे ऐड करने की। तो दोस्तों, ये था कोरोना वायरस के बारे में। अब हम निफ्टी के साथ उसको कोरिलेट करेंगे किस तरह से काम करने वाला है। तो मैं आ गया हूँ अभी निफ्टी के चार्ट पे। दोस्तों, इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। दोस्तों, आप देख सकते हैं ऑलरेडी मार्केट ने एक साल पहले यानी कि अक्टूबर के अराउंड कुछ 18,604 का हाई बनाया था। उसके बाद तकरीबन एक साल के बाद अगेन मार्केट ने हाई बनाया, दैट इज 18,887, तकरीबन 18,900 या 19,000 के लेवल्स के अराउंड से आके फिर से एक डिप दे रहा है। दोस्तों, अब मैं आपको चार्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए क्या हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे, मैं यहाँ पे पार्ट टू ले रहा हूँ। अब देखिए, एक बड़ी सी रैली आई थी, देन एक डिप आया, देन अगेन बड़ी रैली है, देन डिप, देन अगेन अ रैली एंड देन डिप, देन अगेन अ रैली, फिर से एक डिप आया, देन अगेन अ रैली, देन अगेन अ डिप, और ये अभी करंट सिचुएशन। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा था, लोअर हाइज बन रहे थे एंड लोअर लोज भी बन रहे थे। अब दोस्तों क्या हो रहा है, हायर हाइज बन रहे हैं एंड लोअर हाइज भी बन रहे हैं। दोस्तों, आपको हमेशा ये ध्यान रखना होगा, मार्केट हमेशा रेजिस्टेंस के वहाँ से थोड़ा बहुत डिप लेता है। अब यहाँ पे देखिए, ऑलरेडी 52 वीक हाई ऑलरेडी ब्रेक कर दिया था एंड 19,000 का एक क्रूशल या आपसे आप बोल सकते हो एक रेजिस्टेंस लेवल था साइकोलॉजिकल, जिसके वजह से मार्केट ने एक यहाँ पे डिप लिया। एंड उसके बाद कई दिनों से यानी कि पिछले 3-4 दिनों से कोरोना के वजह से मार्केट डिप हो रहा है। तो जिस एक न्यूज़ के वजह से मार्केट डिप हो रहा है, इतना बड़ा प्रेशर नहीं है। दोस्तों, जब यूक्रेन और रशिया का वॉर हुआ था तब भी लोगों को ऐसा लग रहा था कि अब आगे जाके क्या होगा, उसके बाद भी मार्केट ने राइज किया है। एंड दोस्तों, अभी भी मैं कह रहा हूँ कि अगर यहाँ पे ऐसा कुछ होता है तो आप थोड़े कैश में रहिए, जहाँ पे आप हफ्ते में 5,000 का बाइंग कर रहे हैं वहाँ पे 2,500 का बाइंग कीजिए, बट आप डिप्स पे ऐड करते रहिए, ये अपॉर्चुनिटी है, इसे मिस मत कीजिए। तो दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, एक सपोर्ट लेवल यहाँ पे अभी दिखता है कि ब्रेक हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक रेजिस्टेंस था, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस था, अब रेजिस्टेंस क्या बन गया, यहाँ पे सपोर्ट बन गया था। ये लेवल पे देखिए, यहाँ पे रेजिस्टेंस सपोर्ट बन गया था, अब यहाँ से भी फिर से मार्केट ने सपोर्ट लिया एंड देन अपसाइड, एंड इस सपोर्ट को वीकली चार्ट पे भी ब्रेक किया गया है। आप देख सकते हैं वीकली क्लोज भी देखिए, वीकली क्लोज भी नीचे आ गया। अब हमको अगर एक दूर का सपोर्ट देखना है तो दैट इज 17,653 पे दिख रहा है, एंड देन अगर आप बहुत दूर की बात करोगे तो 16,900 या 800 के अराउंड सपोर्ट लेवल बनता हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों, अगर यहाँ से मार्केट 1,000 पॉइंट भी डिप करता है तो स्टॉक्स ऑलमोस्ट 30-40% या 50% भी करेक्ट कर सकते हैं।
दोस्तों, तो ऐसे टाइम पे आपको डिप्स का यूज करना है, अपॉर्चुनिटी बनानी है कि आपको कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करना है। अगर मैं आपको कुछ स्टॉक्स के बताऊं तो कुछ स्टॉक्स बहुत ही ज़्यादा गिर चुके हैं। जैसे आप टाटा एलेक्सी देखोगे तो बहुत ही बढ़िया कंपनी है, अब बहुत ही बढ़िया कंपनी है। अब मैं ये मेरे पहले के ये कुछ ड्राइंग्स हैं तो मैं इसको अभी रिमूव कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये काफ़ी अच्छी कंपनी है एंड एक 12,000 या 10,700 के बाद काफ़ी बड़ी डिप गई है। तो ऐसे स्टॉक्स को आप ढूंढिए मार्केट में, ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं। डीमार्ट, अगर आप सुपर एवेन्यू मार्ट भी देखोगे तो ये देखिए 6,000 के बाद एक डिप लिया, देन अगेन अ राइज है। तो ऐसे सब स्टॉक्स में आपको ऑन डिप्स इन्वेस्ट करना है, ना कि आपको डर के बैठ जाना है कि ओमिक्रॉन आ रहा है अभी हमको हमारा स्टॉक्स को सेल ऑफ करना होगा। तो दोस्तों आपको हमेशा देखना है, बैंक निफ्टी भी देखिए पिछले एक हफ्ते से एक डिप पोजिशन में जा रहा है। तो दोस्तों आपको हमेशा देखना है कि कहाँ पर अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं एंटर होने के लिए। तो आप देख सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों एक डाउन ट्रेंड के मूव में, और अभी यहाँ पे एक ब्रेक डाउन हो चुका है। तो दोस्तों हम नेक्स्ट वीक एनालाइज करेंगे। देखिए क्रिसमस वीक क्या होता है, हमेशा एक छुट्टियों का दिन होता है, तो यहाँ पे FIIs भी इतनी बड़ी जोरों शोर से बाइंग नहीं करते। तो आप अब हम न्यू ईयर के बाद हम इसमें अपॉर्चुनिटीज देखेंगे कि अगर मार्केट अभी भी डिप कर रहा है तो मैं कहता हूँ स्मॉल स्मॉल क्वांटिटीज में, अगर रोज आप 50 लेते हो तो आप 20 क्वांटिटीज में ऐड कीजिए, बट यूज दिस डिप वेरी वाइजली, क्योंकि अगर यहाँ से मार्केट ऊपर चले गया ना फिर आपको सिर्फ पछताना होगा। अगर यहाँ से मार्केट नीचे भी जा रहा है देन यू आर गेटिंग अ एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी टू ऐड योर स्टॉक्स। जो आप देखते थे स्टॉक्स यार 100 रुपये का अब 120 रुपया हो गया, या 100 रुपये में ले लिया होता तो अभी 100 रुपये में भी मिल रहा देगा, बट लोग नहीं खरीदेंगे, लोग वेट करेंगे कि कब 80 रुपीज़ आएगा तब बाय करेंगे। फिर स्टॉक क्या होगा, 100 से 150 चले जाएगा एंड देन 150 पे बाय करेंगे एंड देन फिर से 120 पे सेल करेंगे। लोगों की ये आदत है, जब फियर रहता है ना, एक्सट्रीम फियर, तब आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, और जब एक्सट्रीम ग्रीड रहता है तब आपको सेल करना चाहिए। तो अभी क्या सिचुएशन है, अगर आप टिकर टेप पे भी देखोगे तो टिकर टेप पे भी एक आता है फियर इंडिकेटर, तो मैं यहां पे आपको दिखाता हूं। ये देखिए यहां पे देखिए क्या हो रहा है, एक्सट्रीम ग्रीड यानी कि मार्केट बहुत ही ज्यादा अपसाइड है, ग्रीड यानी कि मार्केट समवॉट है, फियर यानी कि मार्केट बहुत डरा हुआ, और अभी मार्केट सबसे ज्यादा डरा हुआ है। और मैं आपको बताता हूं, अगर स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना है ना तो फियर को अपने को कंट्रोल करना सीखिए, फियर में ही इन्वेस्टमेंट कीजिए। आप वैसे भी लॉस कर ही रहे होंगे कभी ना कभी, तो टेक अ रिस्क, फियर में इन्वेस्ट कीजिए एंड ग्रीड में एग्जिट कीजिए। देखिए तो मार्केट का मूड क्या दिखा रहा है, मार्केट का मूड है एक्सट्रीम फियर। आज का डेट है 24th of December, मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तकरीबन ए रात के 1 बजे हैं। हम इसे 1 महीने के बाद एनालाइज करेंगे जब बजट आ जाएगा, तब बजट के बाद देखेंगे मार्केट किस तरह से मूव करता है। बट ओवरऑल मैं आपको बता दूं, मार्केट इज गोइंग टू गो अप ओनली, कोरोना आए या वॉर हो या कुछ भी हो, मार्केट को अप ही जाना है, इट इज डेस्टिन्ड टू गो अप। तो आप इस डिप्स को सही वे में यूज कीजिए एंड मार्केट में इन्वेस्टमेंट जारी रखिए, इसी तरह आप एक बड़ा पोर्टफोलियो बना पाओगे। उम्मीद करता हूं आपको मैंने चार्ट या स्ट्रेटेजी तो नहीं बताया, बट आपको एक माइंडसेट, एक साइकोलॉजिकल वे बता रहा हूँ, जहाँ पे क्या होता है लोग डर जाते हैं वहाँ पे हमको स्ट्रांग बने रहना है, और हमको डिप्स पे ऐड करते जाना है। अगर ज़्यादा नहीं कर सकते तो थोड़ा बहुत तो ज़रूर कीजिए। इसी तरह आप अपने पोर्टफोलियो को देखोगे आने वाले समय में एक अच्छा खासा एक लेवल पे रहेगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया रहेगा, अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाइए। क्यों? क्योंकि लोग अभी भी डरे हुए हैं कोविड की वजह से, अभी भी फियर में है, तो मैं नहीं चाहता कि लोग अपनी पोजीशंस ऐसे ही एग्जिट कर दें ये डर के मारे कि कोविड फिर से आ रहा है। आप इन्वेस्ट कीजिए और लाइफ में आगे बढ़िए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग ट्रेडिंग विद रोहन।